भाद्राबाद थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव में देर रात एक घर में घुसे बदमाशों ने घर के सदस्यों को बंधक बनाकर लाखों रुपए की डकैती की घटना को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। वहीं पास के गोदाम में चौकीदारी करने वाले एक युवक को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। साथ ही पुलिस इस पूरी घटना का जल्द ही खुलासा करने का दावा भी कर रही है। और उनके मुंह से एक आवाज़ निकल रही थी, भाई डरो मत, घबराओ मत, हम मारेंगे नहीं, हमें भूखे हैं, हमें भूख लगी, हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, हम लॉकडाउन में फंसे रहे हैं और हमें खाना खाना है, हमारे लिए खाना बनवाओ। जब तक हम कुछ समझते तो तब उन्होंने हमें अंदर, हमने सोचा चलो खाना बना देते हैं, भूखे होंगे ये, लेकिन उनको खाना वाना कुछ नहीं खाना था, सिर्फ अंदर का जो हम बाहर चौक में सोए रहे थे उन्होंने अंदर के गेट खुलवाने थे। खाने के बहाने से हम अंदर के गेट खोले तो उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी और कहा तुम खाना रहने दो, हमारे लिए चाय बना दो। उन्होंने चाय ली हमारे से लेकिन चाय पी नहीं, इधर उधर फेंक दी और फिर उन्होंने हमें दूसरे कमरे में बंद कर दिया और जो हमारे सेफ थी उसका लॉक तोड़ा और उनसे कुछ कैश तकरीबन 80,000 रुपये और सोने चांदी के जो आभूषण थे, गहने थे मेरी वाइफ के, ये सब ले गए। जानकारी के अनुसार देर रात करीब 9 बदमाश घर में घुसे, जिसमें से 6 घर के अंदर और 3 छत पर पहरा दे रहे थे। बदमाशों ने घर के सदस्यों को पहले तो बंधक बनाया और साथ ही बाद में उनसे खाना मांगा और खाना खाने के बाद लूटपाट की। विरोध करने पर पीड़ित संदीप के पुत्र अमन के साथ भी बदमाशों ने मारपीट की। पीड़ित की माने तो लाखों के जेवरात और नकदी लेकर बदमाश करीब सुबह 4 बजे घर से फरार हो गए। पीड़ित ने शोर मचाया और आसपास एकत्रित हुए ग्रामीणों की मदद से सूचना पुलिस को दी गई। वहीं सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की और आसपास कॉम्बिंग भी की। वहीं घर के लोगों ने बदमाशों का हुलिया, बोलचाल और अन्य पहचान की जानकारी पुलिस को दी। इस संबंध में भाद्राबाद थाना अध्यक्ष संजीव थपलियाल का कहना है कि घर में 6 बदमाशों के घुसने की सूचना है। पास में काम करने वाले एक चौकीदार को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, साथ ही और एंगलों पर पुलिस जाँच कर रही है और जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। भाद्राबाद से न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए इंतजार रजा की रिपोर्ट।